हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित गुरु। आज हम जानेंगे एयर प्रेशर के बारे में, जो कि एक फैक्टर है किसका, क्लाइमेट और वेदर का। ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट और वेदर को, तो उसका फैक्टर हमारा एयर प्रेशर। देखो, एयर प्रेशर के बारे में हम जानेंगे कि एयर प्रेशर होता क्या है। आपका जैसे कि हमें क्या होता है, एयर जो होती है हम पे प्रेशर डालती है, लेकिन हमें वो फील नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी से भी एक प्रेशर इमर्ज होता है। ठीक है, हमारी बॉडी भी एक प्रेशर को एग्जर्ट करती है, इसलिए हमें क्या होता है, वो प्रेशर फील नहीं होता है। कि एयर भी हमारे एयर के जो एटमोसफेयर के अंदर जो प्रेशर होता है वो हमें फील नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर भी कुछ प्रेशर होता है जो कि बैलेंस में होता है। इसलिए वो एयर का प्रेशर और हमारा जो प्रेशर होता है वो बैलेंस होने के कारण हमें ये फील नहीं होता। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट एयर अबव अस प्रेस विद ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज। जैसे कि जो एयर होती है वो हमें प्रेस करती है, ग्रेट फोर्स लगाती है हमारी बॉडीज पे, लेकिन हमें फील नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी भी उतना ही प्रेशर को एग्जर्ट करती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी भी एग्जर्ट करती है, हाउ एवर वी डोंट इवन फील इट, हम इसको फील भी नहीं करते। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेशर्स अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, आवर बॉडी एग्जर्ट ए काउंटर प्रेशर। अब क्या होता है, प्रेशर हमें सारी तरफ से मिलता है और हमारी बॉडी भी क्या करती है, एग्जर्ट करती है प्रेशर को। ठीक है, उतना ही प्रेशर लगाती, काउंटर प्रेशर करती, इसलिए हमें वो फील नहीं होता। अब एयर प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज अ प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सर्फेस। एयर प्रेशर क्या होता है, एक प्रेशर होता है जो कि एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर से होता है ऑन द अर्थ सर्फेस। अगर हम देखते हैं एज वी गो अप, अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, यानी प्रेशर गिरने लगता है। तो वी गो अप द लेयर ऑफ एटमोसफेयर, द प्रेशर फेल्स रिपीडली, द एयर प्रेशर इज हाइएस्ट एट सी लेवल। अगर हम सी लेवल की बात करें तो जो वहाँ पर प्रेशर होता है वो बहुत हाइएस्ट होता है। सी लेवल क्या होता है, ये मैंने आपको क्लास सिक्स में बताया हुआ है, चैप्टर जो हमने पढ़ाया था सी लेवल क्या होता है। ठीक है, एंड डिक्रीजेस विद द हाइट, और जैसे जैसे हाइट होती है, यानी ये हमारा मान लो सी लेवल है, इसके ऊपर ये इतनी हाइट है, अब यहाँ यहाँ जैसे जैसे जाओगे ना तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर। अब क्या होता है, देखो जो इसका जो एयर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एयर का, वो हमारे प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। पूछो कैसे, जैसे कि गर्मी होगी ना, गर्मी जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे होगा, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, तो वहाँ पे जो होगा जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, उस एरिया में प्रेशर जो क्या होगा, वो हीट हो जाएगा और राइज हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए गिवन प्लेस इन एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज हाई एंड द एयर गेट हीटेड। और जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है और एयर क्या होती है, हीट होती है, तो वहाँ पे राइज हो जाती है, और वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर एरिया हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने हॉट एयर बैलून देखा होगा, तो वहाँ पे भी यही होता है, यही सिस्टम होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप साइंस में पढ़ोगे आगे जाके। तो देखो हॉरिजॉन्टली क्या होता है, जो प्रेशर जो होती है, जहाँ पे अगर हम देखो कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, अब बेसिकली जो दूसरा है हमारा, जहाँ पे लोअर टेम्परेचर होता है वहाँ पे प्रेशर हाई हो जाता है, और फिर क्या होता है, जहाँ पे प्रेशर कम है तो वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होके लो एयर जो लोअर प्रेशर एरिया होता है वहाँ चला जाता है। ठीक है, इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। ठीक है, जहाँ पे लोअर टेम्परेचर होगा वहाँ पे एयर क्या होती है, कोल्ड होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि सर्दी होगी, वहाँ पे कोल्ड होगा। इट इज़ देयरफॉर हैवी एयर सिंक एंड क्रिएट ए हाई प्रेशर। और फिर क्या होता है, इतनी ज़्यादा एयर होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है, और हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लियर सनी स्काइज। अब देखो मैं आपको बताती हूँ एक और चीज़, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है जो कि बहुत हाई है। अब यहाँ पे क्या है, लोअर प्रेशर है, तो ये सारा क्या हो गया, राइज हो गया। लोअर एरिया प्रेशर यानी टेम्परेचर, यहाँ पे हाई था, टेम्परेचर ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर कम है। यहाँ पे टेम्परेचर कम है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। और इसी तरीके से यहाँ से फिर क्या होता है, ये ऐसे इधर इधर चले जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोअर एरिया प्रेशर है, इसलिए।
अब जहाँ पे आप देखोगे जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ पे आपको देखोगे कि वहाँ पे आपको स्काई जो है पूरा क्लियर दिखेगा, मतलब पूरा साफ बादल, बहुत अच्छा मौसम दिखेगा, ठीक है, क्लाउडी नहीं होगा, सनी स्काईज होगी और बहुत क्लियर होगा। और अगर आप वहीं पर ही आप जहाँ पे लोअर एरिया जो प्रेशर है, लोअर प्रेशर होगा, वहाँ पे आप देखोगे कि जो स्काई क्लाउडी होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। तो यही चीज़ें होती है हमारी प्रेशर के अंदर, यानी एयर प्रेशर के बारे में आप यहीं पढ़ोगे। तो इतना ही काफ़ी एयर प्रेशर के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।